झांसी में पटेल समाज के ऊपर हो रहे उत्पीड़न के विरोध में अधिकारियों द्वारा कार्रवाई न करने से नाराज लोगों ने झांसी के सदर विधायक रवि शर्मा के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया, जिसके चलते विधायक ने कार्रवाई के लिए एक सप्ताह का आश्वासन दिया। झांसी में पटेल समाज के ऊपर हो रहे उत्पीड़न के चलते आज सैकड़ों की संख्या में लोग सदर विधायक रवि शर्मा की आवास के बाहर धरने पर बैठ गए, जहां उन्होंने अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि जिस तरह सभी पार्टियां पटेल समाज को साधने का काम कर रही हैं, तो वहीं पटेल समाज के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसको लेकर झांसी जिले में कई जगह समाज के लोगों का उत्पीड़न किया गया, जिसके चलते आज विधायक की आवास के बाहर प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद सदर विधायक ने 7 दिन का समय मांगा और कार्रवाई का आश्वासन दिया। झांसी से विनोद सोनी की रिपोर्ट। समाज में बार बार घटनाएं हो रही थी, समाज की बार बार आवाज उठ रही थी कि अध्यक्ष जी कुछ करिए कुछ करिए। तो हम लोग, हमारा प्रतिनिधि मंडल सीओ साहब से मिल चुका, एसओ साहब से मिल चुका, एसएसपी साहब से मिल चुका, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से भी मिला, लेकिन उन घटनाओं का निराकरण अभी तक नहीं हुआ। तो जो घटनाएं थी, सबसे पहले तो बिजोरा में एक दिन दहाड़े 5 बजे कुल्हाड़ी से काट दिया गया। दूसरा प्रकरण है चिरकना गांव का, जिसमें 5 घरों में एक साथ चोरी हुई। 1 साल पहले भी हुई थी, उस चोरी की भी खुलासा नहीं हुई, दोबारा चोरी हुई, 2 महीने हो गए, आज तक उसका भी खुलासा नहीं हुआ। तीसरा घटना है पिपरा की, कि जो हरजन सुमरण जबरदस्ती लगा दिया गया, उनका क्या है कि अपने 2-4 हरजनों को पाले हैं और शर्ट फाड़ के पहुँच जाते हैं और अपने लिखवा देते हैं। चौथी घटना है, यहाँ झांसी में कम से कम 10 प्लॉट हैं, 10 लाख दे दो हम राजीनामा करा लेते, तो उसके बारे में भी चर्चा की गई। तीसरा ये है, अभी 3 दिन पहले एक सूचकांक यहाँ पे गौरव पटेल रहता है, हाल निवासी मेहंदीबाग में, उसके ऊपर 10 लोगों ने घेर लिया और कट्टे अट्टे वो बंदूक लगा के उसको घेर, वो मजबूर है, वो नहीं चली, वो खून कांत के वो भाग गया। अगर नहीं भागता तो उसके साथ भी अप्रिय घटना हो जाती। क्या आश्वासन मिला आपको? तीसरी कोचा माहौल में पटेल समाज के 27 प्लॉट हैं, उन पे भी पुलिस का कब्जा है, तो पुलिस द्वारा उन कब्जों किए जा रहे हैं। पुलिस कह रही मेरी जमीन कहाँ है, जबकि लेखपाल की रिपोर्ट लगी है, नायब तहसीलदार की रिपोर्ट लगी है, तहसीलदार की रिपोर्ट लगी है, एसडीएम की रिपोर्ट लगी है, उसके बाद भी उन प्लॉटों का कब्जा नहीं छोड़ा जा रहा। तो इन घटनाओं को लेकर माननीय सदर विधायक, लोकल हमारे विधायक जी हैं,